हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज कुमार है। आज मैं आपके बताने जा रहा हूँ कि ये जो हमारी कंपनी के द्वारा लेटेस्ट लॉन्च किया गया है स्मार्ट वाईफाई डोरबेल, जो अभी हम जो डोरबेल यूज करते थे घरों में तो वो वायर्ड होता था, ये आपका वायरलेस है। तो कैसे इसको ऑपरेट करेंगे, कैसे इसका क्या इसका फीचर्स है और इंस्टॉलेशन कैसे करना है, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इसका मॉडल कौन सा है वो हम देख लेते हैं। तो ये आपका मॉडल है CP-L23, इसका ये मॉडल आप देख रहे हैं। तो ये आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल है आपको, ठीक है। अब हम इसको बॉक्सेस सब खोलते हैं। तब इसमें सबसे पहले आपको एक मैनुअल कार्ड आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद ये आपका आउटडोर हो गया आपका, ठीक है। उसके साथ ये आपके बॉक्सेस में सो सीरीज है इसमें आपके, ठीक है। ये केबल है, इसका अडैप्टर भी आपको साथ में आएगा, ठीक है। ये आपका अडैप्टर है आपका, और एक इसमें आपका USB चाइम दिया हुआ है जो कि आपका अलार्म को जब भी आप प्रेस जब ये हम करेंगे इसके ऊपर, तो ये इसमें आपको पावर कैसे देना है आप अपने सॉकेट में घरों में जहाँ भी आपको इजी है, क्योंकि इसमें USB है, वोल्टेज बहुत कम खाता है, ये 3 वोल्ट का आपका ऑप्शन है। तो कहीं भी जैसे आप मैं भाई तो लैपटॉप यूज़ करूँगा तो वहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा, लेकिन कहीं भी आप अपने घरों में इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे एक्सेसरीज जा सकते हैं, इसको वॉल माउंट अपने हिसाब से ये चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है, अपने सुविधा अनुसार। अब हम आते हैं इसको ऑपरेशन के बारे में कि कैसे इसको ऑपरेशन करना है, फीचर्स क्या है। बता रहा था कि ये आपका डिवाइसेस है, इसको मैंने पावर अप कर दिया है और इस डिवाइसेस को मैं इसमें जब USB, क्योंकि USB पोर्ट है तो इसलिए मैंने लैपटॉप से यूज़ करके बताना चाहूँगा। आपके घर में भी जो है USB पोर्ट अगर होंगे तो आप किसी से भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो रेंज है आपस में वो आपका 3 से 4 मीटर 5 मीटर के आसपास आराम से आपका ये काम कर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एप्लीकेशन का नाम मैं बता देता हूँ आपको कि इसका एप्लीकेशन का नाम है EasyCam Plus, ठीक है। तो ये जो आप जैसा आप मेरे एप्लीकेशन पे ये जो देख रहे हैं मोबाइल वाले EasyCam, ये EasyCam Plus आपको जो सिंबल से दिख रहा है आपको, ये EasyCam Plus आपका सिंबल है। इसको जब ओपन कीजिएगा, ठीक है, और फिर आप ये प्लस का जो सिंबल है, ये प्लस का सिंबल पे आप जाएंगे। प्लस का सिंबल पे जाने के बाद यहाँ देखिए कैमरा पे जो है, अगर कैमरा आपके पास है तो कैमरे, हम अभी डोरबेल यूज़ कर रहे हैं तो हम डोरबेल पे क्लिक करेंगे। जब डोरबेल क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये एक मॉडल आता है L23, ठीक है। इसको हम सिलेक्शन करते हैं, जैसा हमारा मॉडल का प्रोडक्ट है, हमारा नाम भी है L23, ठीक है। ये 2.4 GHz पे आपको क्लिक करता है, ठीक है। उसके बाद हम इस पर देखिए QR कोड का यहाँ पे ऑप्शन है, तो इस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक QR कोड का ऑप्शन होता है और एक आपका EZ मोड। EZ मोड में आपको QR आपको जो है स्कैन नहीं करना पड़ेगा, और QR पे आप जब करेंगे, ये बाई डिफ़ॉल्ट इस पर आता है, तो आपको डिवाइस पे इस प्रकार आपको स्कैन करना पड़ेगा, तो ये बीप का आवाज़ देता है इस तरह से, ठीक है। तो अभी मैं QR कोड पे ऑप्शन ले रहा हूँ आपको ताकि समझाने के लिए, फिर मैं आपको दूसरे तरीका से भी समझा दूंगा आपको, ठीक है। ये लिखता है कि कन्फर्म इंडिकेटर इज़ ब्लिंकिंग फास्ट, तो जैसा कि आपका इंडिकेटर ब्लिंकिंग आपका फास्ट यहाँ पे कर भी रहा है आपका इस तरह से, तो इस पर हम टिक लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे ऑप्शन है, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हमारा वाईफाई है, AIL पटना वाईफाई SSD का नाम है, और ये 2.4 GHz जैसा मैंने बताया आपको ये सपोर्ट करता है। फिर हम नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका स्कैन करा गया, स्कैन करा गया तो ये आप देखिए मैं आपको करूँगा तो ये आपका आवाज़ देगा, ये जो आवाज़ है आपका स्कैन का ये आपने सुन लिया, तो इस तरीके से आपको सुनना है। और फिर आपको यहाँ पर I heard a prompt जो लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए डिवाइस आपका एडेड हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे डन करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये आपका डिवाइसेस आपका कनेक्टेड हो गया है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या यहाँ पर, ये ध्यान से देखिए, जब भी कोई आएगा बेल रिंग पे, सबसे पहले USB चाइम्स को आप समझिए कि कैसे करना है। ये हमने तो कनेक्शन कर दिया, अब इसको कैसे कनेक्ट करना है, तो ये देखिए इधर दो आपका बटन दिया हुआ है, ठीक है। दोनों बटन को आपको जैसे ये पावर लगाना है आप लगा देंगे, और ये दोनों बटन को साथ में आप इकट्ठे प्रेस करेंगे, ठीक है।
इसको आप 3 से 5 सेकंड के लिए, तो ये जो आपका लाइट्स है ये आपका, ये देखिए मैंने ऐसे लगा दिया, अभी कुछ नहीं जल रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है ये। जब हम ये दोनों आपको प्रेस कर देंगे, ये दोनों इकट्ठा एक साथ पे प्रेस करेंगे, तो ये देखिए इसमें से लाइट जलेगा। ये जैसा कि फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं, ये आपका रेड और ब्लू दोनों जल रहा है, और साथ में इसको भी आपको प्रेस करना है 15 सेकंड के लिए। जब आप 15 सेकंड इसको आप जब प्रेस किए रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं देख लेते हैं, 15 सेकंड अभी हुआ नहीं है। ये देखिए ये अटैच हो गया। ठीक है, ये इसी यही प्रोसेस है इसको अटैच करने का। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको मोबाइल एप्लीकेशन में। ये तो मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ ये जल रहा है, इसको आपका ये देखिए, इसमें आपका 4-5 मेलोडी है। इसको आप आगे पीछे जब प्रेस करेंगे तो अपने हिसाब से आप इसका जो मेलोडी जो है, 5 जो आपका इसका जो रिंगटोन इनबिल्ट डला हुआ है इसमें, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके ऊपर डोरबेल पे। ये जैसे कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये देखिएगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ, यहाँ पर नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन पर। ये देखिए सर, यू हैव ए विजिटर। ये जो आप जो देख रहे हैं, यू हैव ए विजिटर जो लिखा हुआ है, ये आपका, ये आपको ऐसे भी इस तरह से कर सकते हैं आप। ठीक है, यू हैव ए विजिटर, समवन रिंगिंग द बेल। ये आप दोबारा देखिएगा, ये जब मैं यहाँ ब्लिंक करूँगा यहाँ पे, आप यहाँ पे देखिए, अभी मैं इसको ब्लिंक कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए डोरबेल बजा आपका, नोटिफिकेशन भी आपका आ गया है डोरबेल का। ठीक है, इधर आपका चाइम भी बज रहा है आपका। ठीक है, अब आप इसको बात करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी होगा ये तो मोबाइल एप्लीकेशन से ही होगा। तो यहाँ पर जो आपका क्लिक है ऑप्शन आपका, ये देखिए टू वे कम्युनिकेशन का, इसको हम जब क्लिक करेंगे तो ये, अभी ये हमी का आवाज़ इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पास में, जैसे हम दूर रखेंगे ना तो आपका ईजी हो जाएगा। अभी ध्यान दीजिए, हेलो हेलो हेलो, तो इस तरीका से आप जो है सो कि आपको सुन सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन जो आप देख रहे हैं, ये आपका स्पीकर का है, ये आपका माइक का है। जब यहाँ से जब क्लिक करके बोलेंगे तो यहाँ सुनाई देगा, और सिमिलरली जब वहाँ से बोलेंगे तब भी सुनाई देगा आपको वहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपका डिवाइस का वॉल्यूम है, यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। ठीक है, ये जब दूर में रहेगा आपका तो ये प्रॉपर आपका काम करता है। थोड़ा सा डिस्टेंस अब आप मेंटेन करेंगे, 5 मीटर 6 मीटर डिस्टेंस आराम से। एडवांटेज क्या है इसका, आप कहीं से भी रहेंगे, आपका मोबाइल अगर ऑनलाइन है आपका, तो ईजी वे में आपका घर पर हो, आप ऑफिसेस में हो, कोई भी आपको बेल करता है, ये आपको ईजी वे में आपको अलर्ट देता है कि आपके बेल पर कोई ना कोई आया है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार मैं आपको, कि जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये देखिए डोरबेल बजा आपका। ठीक है, उसके साथ ही आपका यहाँ देखिए चाइम्स भी बज रहा है आपका यहाँ पर। ठीक है, ऐड करने के लिए मैंने बता ही दिया हूँ आपको। ठीक है, या नाइट विजन का भी ऑप्शन दिया हुआ है आपका। ठीक है, ऑटो में जब लाइट्स कम रहेगा तो इसका आईआर आपका जल जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ इसका आईआर लाइट्स ऑन करके, ये देखिए
इसका आयर लाइट जल भी गया है आपका, ये जो आप जो देख रहे हैं रेड कलर का, तो इसका आयर लाइट हमेशा जल गया भी है, जल भी गया है। तो जब बंदा सामने रहेगा बिल्कुल मोबाइल पे सामने बिल्कुल, ये देखिए ये मैं खड़ा हूँ आपको, ये देखिए ये ब्लैक एंड वाइट में आपका इजी वे में आपका आ रहा है, ठीक है। इसको मैं ऑटो में डाल देता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद इसका सर कैमरे की क्वालिटी की बहुत अच्छी है, क्योंकि ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। 2 मेगापिक्सल बहुत होता है सर डोरबेल के लिए। उसके साथ ही आपका ये PIR सेंसर भी है, ठीक है। इसमें PIR का ऑप्शन दिया हुआ है आपका, इन केस अगर कोई आता है आपको अलर्ट चाहिए तो आपको अलर्ट भी मिल जाएगा आपको। ये देखिए डिवाइस अलर्ट और नोटिफिकेशन, ह्यूमन बॉडी, मान लीजिए कोई बंदा अगर सामने आता है तभी आपको इसको अलर्ट मिलेगा, कोई जानवर वगैरह आता है तो आपको अलर्ट नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसको शेयर करना है दूसरे मोबाइल पर भी, ठीक है। तो शेयर करने का जो तरीका आपका है वो शेयर डिवाइस पर जाएंगे, ठीक है, ये देख लीजिए। और उसके में भी आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, ठीक है, उसके में भी आपको ये आपको इंस्टॉल करना होगा और फिर आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन नोटिफिकेशन आपको ये मिल जाएगा, एक मिनट में देखता हूँ। ये देखिए ये ऑफलाइन नोटिफिकेशन आपका इनेबल हो गया। जैसे ये इंटरनेट से अगर ये आपका डिवाइसेस अगर डिस्कनेक्ट होता है तो आपके पास आपका अलर्ट भी मिलेगा कि आपका ये डोरबेल जो है वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो गया है। दूसरी चीज़, डिवाइस अपग्रेडेशन आप यहीं से कर सकते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। ये आपका पावर मैनेजमेंट सेटिंग है, आप अपने हिसाब से बैटरी कितना बचा हुआ है आपको वो पता लगेगा, लगते रहेगा। अगर 10% रहेगा तो आपको ये ऑप्शन दे देगा, तो फिर आपको ये जो ये ऑप्शन जो आपका है ये आपको ये चार्ज में लगा देना होगा आपको, क्योंकि ये आपको मैंने शुरू में बताया था कि ये आपका ये USB अडॉप्टर दिया हुआ है आपके साथ में, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पावर सोर्स, सब कुछ इसमें आपको आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको, PIR मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये छोटा सा डिवाइस है, इसको आप अगर आपके पास गूगल एलेक्सा, गूगल होम या अमेजन का जो एलेक्सा है जो आता है डिवाइसेस, उसके साथ भी आप अटैच कर सकते हैं, तो आपका जैसे हम बोलते हैं गूगल ओपन द डोर, ओपन द रिंग बेल, ओपन द स्मार्ट TV, ओपन द इजी कैम, तो ये सारा कुछ उस हिसाब से आप इसको परफेक्ट जो होम ऑटोमेशन की जो हिसाब से बनाया गया है, तो आप उसको भी यहाँ पे इसको ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आपको ये कम्प्लीटली होम ऑटोमेशन के थ्रू कामयाब करेगा। अब हम देखते हैं, क्योंकि इसका एडवांटेज और एक है कि लाइव भी टू वे कम्युनिकेशन है आपका है, जब भी आप रिंग करते हैं इसका लाइव व्यू आपको दिखते रहेगा। तो ये था आपका डोरबेल का ओवरऑल वाईफाई, ठीक है। छोटा सा डिवाइसेस है आपको, आपको वॉल माउंट करना है, इसका एक्सेसरीज दिया हुआ है, वॉल माउंट पे भी आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि पता लगे कि हमारी कंपनी द्वारा जो प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है।